नवाजुद्दीन सिद्दीकी मेहनती कलाकार हैं। निजी जिंदगी में उन्होंने बहुत से संघर्ष देखे हैं। मुंबई के फुटपाथ पर जीवन बिताने वाले और मुंबई की सांसों में करीब से समझा है। कम ही होता है कि किसी कलाकार का संघर्ष उसके करियर में किसी किरदार को सांसें देने का काम आए, लेकिन शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के जीवन में बनी फिल्म ठाकरे की नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए उनके अनुभव में बहुत काम आए। कलाकार के लिहाज से नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ये फिल्म उनके लिए एक किंवदंती बन चुकी है। ठाकरे को बनाने के पीछे जो भी राजनीतिक कारण रहे हों, पर सियासत में जरा भी दिलचस्प रखने वाले हर दर्शक को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। खास तौर पे उत्तर भारतीयों को ये फिल्म इसलिए भी देखनी चाहिए कि हिंदी पट्टी के राज्यों में हिंदुत्व के आभार की गंगोत्री यहाँ से निकलती है। जब BJP BJP हिंदुत्व हिंदी भाषी राज्य में पनपे भी नहीं थे, तब बाल ठाकरे ने हिंदुत्व की बातें करनी शुरू की। हिंदी सिनेमा में इन दिनों बायोपिक की रेलगाड़ी चली रही थी कि हर डिब्बा अपने में तमाम कहानी किस्से समेटे हुए हैं। बायोपिक के रेल में ठाकरे अगर अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रही, तो इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने किरदार के प्रति समर्पण का सबसे बड़ा हाथ है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।